व्हाट्स अप गाइस, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं छग्गन ब्लॉगर के भूल भुलैया वाले महल में जाने की स्टोरी की। हाँ? तो मैंने क्या बोल दिया? कुछ नहीं, थोड़ा गलत बोल दिया मुझे लग रहा है, लेकिन मतलब समझ गए टॉपिक क्या है कि छग्गन ब्लॉगर लिविंग 24 आवर्स इन भूल भुलैया हॉन्टेड पैलेस, जहाँ शूटिंग भी हुई थी भूल भुलैया की, तो आई एम श्योर वहाँ का ब्लॉग होने वाला है। और 3 AM ब्लडी मैरिज चैलेंज भी कर दिया वहाँ पर, भाई तो कहते हैवी ड्राइवर, भाई ना रुकता। तो देखते हैं आज ट्रिगर्ड इंसान मतलब निश्चय मलहान क्या करने पहुंचे थे, क्या चुल्ल मची कि भाई पहुंच गया। हाँ, भूल भुलैया मैं तो कभी ऐसे मतलब घूम लूं पर ऐसे रुकू ना, चैलेंज। चुड़ैल को कहां चुड़ैलों से डर लगता है, वैसे बात तो है। और जो बड़ा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, ट्रिगर्ड इंसान ओपी इन द कमेंट हो जाए। करें शुरू, 1 2 3 गो। चोमू पैलेस राजस्थान शहर में जयपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित चोमू शहर में बना ये पैलेस वो जगह है जहाँ पे भूल भुलैया मूवी की शूटिंग हुई थी। वैसे तो ये एक काफी सुंदर पैलेस है जहाँ पे कई मूवीज की शूटिंग होने के साथ साथ शादियां और इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है ऐसा इस जगह में कि रात के वक्त लोग यहाँ पे रहने से डरते हैं। 16th century में बना ये पैलेस एक हेरिटेज साइट है, लेकिन फिर भी कोई भी गेस्ट आज इस होटल में रुकना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? माना जाता है कि जब से भूल भुलैया मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, लोगों को लगने लगा है कि ये जगह शायद सच में हॉन्टेड है। पर क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है? क्या मोंजोलिका आज भी यहाँ पे गलियारों में भागती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने छग्गन व्लॉगर बने घोस्ट बस्टर डिटेक्टिव छग्गन, यानी मैं निकल पड़ा चोमू पैलेस की ओर। ये कौन है? गेटअप कर रहा है, अच्छा लग रहा है। पतले उसमें गलियों में देख रहा है, पूरा अंधेरा था। कुछ भी बहुत मूवी की शूटिंग बहुत गजब से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छग्गन, छग्गन ब्लॉगर हैज नाउ बिकम डिटेक्टिव घोस्ट बस्टर छग्गन, एंड हम पहुंच चुके हैं चोमू पैलेस। ये वही फोर्ट्रेस है जहां पर भूल भुलैया मूवी की शूटिंग हुई थी। उसकी आत्मा किसी भी राजा को इस महल में जीने नहीं देगी, बस उसके बाद तो जैसे नजर लग गई राजा के राज को। लग रहा हूँ ना मैं सस्ताक्षर। हमें जानना है कि क्या मोंजोलिका आज भी यहीं पर है। वो जो भैया हैं मेरे को लग रहा है वो जानते हैं। आइए। अरे भैया बात क्यों रहे हो, डरा रहा हूँ क्या मैं आपको? भैया डर रहे हो क्या मुझसे? साथ में सीन लगाया ना। हाँ। ये देखा मैंने। करवाली बेस्ती। मजाक नहीं कर रहा, अच्छी जगह है, यहाँ पे शादियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक बार वो देखो, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है? सीरियसली यही चीज रात को इमेजिन करो, ऐसे ऊपर कबूतर ही कबूतर। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, जा भूतिया जगह होती है ना वहाँ पे कबूतर होते ही है, मैं बता रहा हूँ यही कहीं छुपी हुई है वो। बट नॉट टू फियर, घोस्ट बस्टर छग्गन इज नाउ हियर। मोंजोलिका की ऐसी की तैसी ढूंढ के रहेंगे मोंजोलिका। आमी छे तुम्हार छी छी छी, अरे उसका छी 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 निकाल लें हम। क्या कह रहे हो भैया? मंजुलिका इस कॉरिडोर से भागती है, इसका रास्ता किधर है? आ रहा हूँ मैं। मंजुलिका पकड़ ली। अच्छा उसमें मूवी में जो वो बात करती है यहाँ से उसको पकड़ में। कसम से पूरी मूवी का सीन याद आ गया मेरे को, मंजुलिका यहाँ पे। कितना छोटे पतली सी वो है जी। वो एक बात बताइए, वहाँ आगे क्या है? वो भी ऐसी स्टेशन जैसी है उतरने के लिए। तो इतना अंधेरा क्यों है? पक्का ना? मेरे को कुछ हो जाए तो भैया की शक्ल डाल दे वीडियो में, दिखा देना। आपको कुछ होने नहीं दूंगा मैं। मोंजोलिका हाँ भैया बिल्कुल डालेंगे। माय नेम इज छग्गन ब्लॉगर, चैनल नेम ट्रिगर्ड इंसान। मंजुलिका अभी हम जो है मंजुलिका के कमरे में जा रहे हैं। कोई ना कोई सीन तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड हुआ है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर देखा देखा सा लग तो है।
अभी तो फिलहाल लॉक्ड है, मैं किसी तरह से ट्राई करने वाला हूँ कि इन लोगों के पास जाके इनसे चाबी मांग सकूं। भैया जो है एक्सेस दिलवा दिया है हमको और यहीं पे इसी बेड पर उठाया था जो ऐसे करके यही कुर्सी पे बैठ के वो अपने ऑफिस का काम करती है, यही डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाती है और यही दरवाजे पे वो खड़ी है। अबे साले वो बंदा भी तुझ में इतनी हिम्मत, तुझ में इतनी हिम्मत, भूत आ गया मेरे में। अबे साले ये जो मीम्स लाया ना बड़ी है, मंजुलिका नहीं आऊंगी, गर्मी बहुत है। मना कर रही है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं नहीं आ रही। ये वो कुर्सी है, यही वो कुर्सी है गाइस। कौन सी कुर्सी है मुझे याद नहीं आ रहा, पर भैया ने बोला कि मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इस कुर्सी का। अच्छा ये वाली तो नहीं है। मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा, थोड़ी सी अजीब सी लग रही है ऐसे, मतलब अकेली चेयर वहाँ पड़ी है जिस पे किसी के कपड़े भी सूख रहे हैं, तो मैं नहीं जा रहा। वो पहुंच गए। तो गाइस एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखना ही था हमको। ये है क्या वैसे चौकी? गंदा कच्चा है भैया। और अपनी ही मस्ती में मगन गोस्ट बस्टर डिटेक्टिव छगन इस बात से अनजान थे कि उनके साथ रात में जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी ही बदल देगा। कम इन, लुक एट दिस माय रूम इन एकदम ही अच्छा, ये रूम एंशिएंट राजा महाराजा वाली फील है ना। टेलीफोन चलता है क्या? अबे सच में चलता है। इसलिए क्योंकि मैं देखो रूम में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम पर लोगों से पूछा कि ऐसी थोड़ी सी स्केरी सी जगह पर क्या डेयर कर सकता हूँ मैं। तो 90% लोगों ने मेरे को सिर्फ एक ही डेयर दिया कि ब्लडी मैरी चैलेंज करो, ब्लडी मैरी चैलेंज करो, ब्लडी मैरी चैलेंज करो। तो मैंने सोचा कि हम मंजुलिका की जगह पे हैं, मंजुलिका का फोर्ट है, तो क्यों ना ब्लडी मैरी चैलेंज की जगह ब्लडी मंजुलिका चैलेंज किया जाए। ये रही माचिस, रात के 3 बज रहे हैं, वैसे 11 ही बजे हैं, लेकिन रात के 3 बजे करने में ज्यादा फटेगी, तो इसलिए मैंने सोचा 11 तुम्हें क्या पता चलेगा मैं 3 भी बोलूंगा तो तुम तो मान ही लोगे। ये सही था, नाइट ऑफ करेंगे, हमें कैसे पता कि बाहर रात हो रही है ना। तो 3 बार ब्लडी मंजुलिका चिल्लाना है, ब्लडी मंजुलिका, ब्लडी मंजुलिका यार, ब्लडी और मंजुलिका, ब्लडी मंजुलिका। मोमबत्ती बुझा दी मुझे लग रहा है, वो लाइट नहीं, नहीं पता है क्या, ब्लडी मंजुलिका वो नहीं बैठ रहा ना, ब्लडी मैरी तो मतलब थोड़ा वो लग रहा था ये अंग्रेजी और उसका बैठा नहीं था। मैं थोड़ा सा भूतिया पंती दिखाने वाला था कि बहुत गलत हो गया है, बट गौरव सोन भी लाइट कट कर देना प्लीज। जैसे कि आपने हमको डेयर दिया था कि ब्लडी मैरी चैलेंज करो, तो हमने ब्लडी मंजुलिका चैलेंज कर दिया है। एंड अब डिटेक्टिव छगन जा रहे हैं भूल भुलैया के फोर्ट्रेस को इन्वेस्टिगेट करने, वो भी रात के 12 बजे। अब डरता हूँ क्या, बता रहा हूँ डरता हूँ। लाइट थी, जूते कैसे चमक रहे थे, देखो कितनी सुंदर जगह है यार, जूते देख रहे हैं। कहीं पे मंजुलिका अभी भाग रही होगी, आवाजें लगा रही होगी, श्रीधर आमी छे तुम अलग सा ही, दिन में नहीं इतना सुंदर लग रहा था यार, बट रात में तो अलग ही क्या प्यारा लग रहा है। किस जगह लेकिन जयपुर से थोड़ा सा आगे। ये कौन है? चोमू पैलेस। कहाँ गया? आगे डूड, ऊपर कोई है, कोई तो है ऊपर।
भाई नहीं डरता किससे, भाई पहुंच गया ले। अरे चल दिया, मैं इनमें से नहीं निकल सकती है जो ऐसे कॉरिडोर से है ना, ऐसे पतले से। एवरी हॉरर मूवी हियर एवर। हेलो, बहुत अजी एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। क्या बात। हेलो 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 जी, ये जो मंजुलिका का कमरा है उसके पास कभी मंजुलिका आपने देखी है? कभी नहीं आती। मैंने अभी यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा था, एल निकली है, नहीं है पक्की बात है। अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, अब मैं यहाँ पे आराम से जा सकता हूँ, और यहाँ पे इतना ज्यादा आराम से जा सकते हैं, हमें वापस चलना चाहिए। हवा निकल गई, मैंने डरता उसी गेट पे जाके आवाज छन छन रन रन भाग गया। भागो भागो भागो। ये अरे वाह, क्या लग रहा हूँ मैं यार, एकदम ही बैह। अच्छा मुझे याद आया, मुझे भूत से भागना था, और ये पॉज लेके भगवान हेलो भैया, हाय हाय भैया, ये भैया वहाँ भी थे, ये भैया यहाँ भी है, ये भैया मेरे को गड़बड़ लग रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं भैया। भैया मुझे भूत से भागना था, और भागते भागते मैं और ज्यादा डरावनी जगह पे आ गया, और ऊपर से पता नहीं क्या अजीब अजीब आवाज आ रही है। यहाँ चेयर थे, इसमें जॉकी सूख रहा था, मुझे ही सुनाई नहीं दे रही है यार, सच में आ रही है, कोई बैठा हुआ कुछ तो है ऊपर जिसको ढूंढने कंटिन्यू करिए स्विंगिंग, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं। अरे भाई नहीं 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 देखो, मैं गधा हूँ, मैं तो गधा हूँ, ये झूला रात के 2 बजे अपने आप चल रहा है, मैं गधा हूँ, और उस झूले पे कोई बैठा है, रात के 2 बजे कोई झूले पे बैठ के झूला झूल रहा है, माहौल सही बनाया हुआ है नहीं गाइस, ये मेरी आंखों का भ्रम है क्योंकि मैं गधा हूँ। अब कैमरा मैन भाई तुमको डर नहीं लग रहा, भागो। अरे भाग भाई, तू भी बैकग्राउंड म्यूजिक देख रही हूँ, सब जो लगा रहा है सारी मुसीबत की जड़ ना ये बाथरूम ही है, जब से मैंने ये बाथरूम में खड़े होके वो ब्लडी मंजुली का क्यों बोला, ब्लडी मंजुली का मैच भी नहीं कर रहा है आपस में, पार्टी शुरू हो गई है। ये वही भैया जो भाग इधर उधर मिल रहे हैं ना। Yes, it was me all along. नहीं समझे? अबे यार, फ्लैशबैक देखो। क्या था? मुझे लगा, मुझे ये तो पता था कुछ नहीं है, मुझे लगा ना स्टाफ का है, वैसे कोई होगा बंदा, है ना? अबे बंद कर। एडिट बढ़िया कर रखी है वीडियो। मंजुली का सारा गेम एडिटिंग का साले बंद नहीं करेगा। अच्छा माहौल बनाया था। ये कौन है? अच्छी स्टोरी थी। भाई जाओ साले, प्राइवेसी दो मुझे मेरी। तो यार गाइस, डिटेक्टिव छगन एके घोस्टबस्टर छगन हैज डेड, हमने पता लगा लिया है मंजुलिका का चोमू पैलेस का राज। कोई राज नहीं है, मतलब सीरियसली हमने डीबंक कर दिया है कि यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है। मैं ट्रस्ट मी, जब मुझे इस जगह के बारे में पता चला कि यहाँ ही पे भूल भुलैया शूट हुई थी, मेरे खुद के दोस्त ने मुझे बोला कि यार लोगों को लगता है कि इस जगह पे शायद भूत है, जिस वजह से यहाँ पे गेस्ट ही नहीं आते, उनका धंधा बंद हो गया मूवी के बाद। तो तभी मेरे को लगा कि भाई अब तो जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सच में भूत है। ट्रस्ट मी, मैं 3 दिन से यहाँ पे रुका पड़ा हूँ, भूत दूर की बात है, इतनी प्यारी वाइब है इस जगह की, इतना प्यारा स्टाफ है, एंड खाना।
तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. डिटेक्टिव व्लॉगर घोस्टबस्टर छक्कन विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो. इफ यू लाइक्ड इट लाइक दिस प्लीज लाइक इट. मेहनत लगी है ये बनाने में. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. अरे लड़के ये जहरी है. ये तो फेवरेट लड़का है मेरा भाई. हाँ। लास्ट में था, अब पता है कि वही वाली चीज बताया ना इसने कि उसके बाद गेस्ट नहीं आते. ये वही होगा कोई घर अगर कुछ महीनों से सालों से खाली पड़ा है ना और वहाँ कबूतर वबूतर मकड़ी वकड़ी जम गई तो वो ये तो खाली भी नहीं था. वही तो मैं कहता हूँ अफवाह सबसे खतरनाक चीज होती है. अफवाह अगर फैल जाने की चीज के बारे में तो लोगों माइंड में होता है फिर वो बिना बात के प्रॉपर्टी भी नहीं बिकती है ना वहाँ पर गेस्ट जाती है ये चीजें. और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को भी वीडियो के थ्रू मैसेज भी दिया. मूवी शूटिंग हुई यार कोई वैसा थोड़ी है बल्कि एक्सप्लोर करो एंजॉय करो. राज मूवी जो थी वो ऊटी में जो वो जो घर था उसको भी बताते हैं कि वो हॉन्टेड है. लोगों का काम रहा होता है. और मतलब कि एक बात तो कहनी पड़ेगी, नो डाउट ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से एडिट करी गई थी और माहौल बहुत बढ़िया क्रिएट कर था. जो बैकग्राउंड म्यूजिक की चॉइस थी सस्पेंस बना के रखना हॉरर बहुत बढ़िया था. मस्ती निकला गुंगट से हेलो हेलो. और वो ब्लड भाई ने अपना ही चैलेंज बना दिया. मैरी की जगह मंजू ने कहा बताओ वो सा समझ नहीं आया होगा. मैरी कह रही होगी साली अपनी कोई इज्जत ही नहीं है. हाँ, साले को इज्जत ही नहीं है. मतलब वो पता मंजुली का इसलिए नहीं आई ब्लडी मंजुली का वो तालमेल ही नहीं बैठ रहा था. उसे हिंदी भी सही से नहीं आती तो इंग्लिश तो कहाँ से आती. ब्लडी मंजुली प्लस इस वीडियो की प्लानिंग बहुत गजब करी. जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करा जो पूरा जो पूरा वही गेटअप अक्षय कुमार वाला वही माहौल करके भाई अच्छा लगा वीडियो देख के मजा. बीच में अच्छे लगाए थे जो एडिट्स लगाए थे ना बीच में वो जब वो ऐसे उसे डराता है ना उसमें मूवी वाले लगाए. आई वुड से छक्कन ब्लॉगर वाले ब्लॉग्स आने चाहिए और फ्रीक्वेंटली आने चाहिए मजेदार होते हैं. और प्लस जैसे वो क्रिएट करा पीछे से भागते हुए यहाँ से भैया से बात करते भैया भैया की शक्ल दिखाओ अगर मुझे कुछ हुआ तो इनको पकड़ना. और मजेदार थी वीडियो. और साथ ही साथ इसमें ना वो वाला बढ़िया लगा मेरा फनी मोमेंट था. वहां से भाग रहे मंजुली का है भागो 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 शीशे दिखा रुको चेक कर तुमने बार बार पूरा ठीक करके. अच्छा मुझे याद आया मैं तो भाग रहा था. अच्छी और जगह पर सच में बहुत प्यारी लग रही थी वो सुंदर थी. ऐसी जगह पर कई बार आप आउटिंग करने जाओ ना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करना हो जगह से थोड़ा दूर जाना तो आप ऐसी जगह जा सकते हो. आई एम श्योर आप लोगों ने छक्कन ब्लॉगर का ब्लॉग एंजॉय किया होगा. तो कमेंट में छक्कन ओपी हो जाए यार. और वीडियो को लाइक करना मत भूलना. चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हो. बाय बाय टेक केयर.